राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई के बाद अब एक और नेता की मुश्किलें बढ़ गई। अब कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ यूआईटी तहसीलदार हेमराज मीना ने रानपुर पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। गुंजल पर यूआईटी की जमीन पर अवैध कब्जा करने, जमीन पर माइनिंग कर पत्थर और मिट्टी निकालने का आरोप लगा है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल पुलिस और प्रशासन को सोमवार देर शाम को सूचना मिली थी कि रानपुर थाना क्षेत्र के बावड़ी खेड़ा और कोलोना में अवैध खनन हो रहा है, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम देर रात मौके पर पहुंची। वहां अवैध खनन हो रहा था। कार्रवाई की सूचना मिलते ही गुंजल अपने भतीजे लोकेश गुंजल के साथ मौके पर पहुंचे। टीम को धमकाते हुए कहा कि यह क्रेशर मेरा है, तुम ठीक नहीं कर रहे। इस पर पुलिस, वन खनिज और यूआईटी कोटा ने मंगलवार को रानपुर इलाके में सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग ने गुंजल के क्रेशर के लिए सरकारी जमीन से निकाला गया 955 टन पत्थर, एक एलएनटी मशीन और एक डंपर जब्त किया। वही गुंजल ने दावा करते हुए कहा कि जिस जमीन पर क्रेशर को अवैध बताया जा रहा है, उस जमीन को साल 2010 में क्रेशर के लिए कन्वर्ट किया जा चुका है और वह जमीन राजराम भील की थी। 16 मई 2011 को राजराम भील ने यह जमीन गुंजल को बेचा, जिसकी रजिस्ट्री 31 अक्टूबर 2011 को करवाई गई थी, जिसके बाद 2016 से यह क्रेशर संचालित किया जा रहा है। गुंजल ने दावा किया कि ये क्रेशर प्रॉपर कागज और इजाजत से संचालित किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ परेशान करने के लिए यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि 2016 से लेकर 2028 तक के लिए एनवायरमेंट क्लीयरेंस हमारे पास है, उसके बाद हमें कोई और इजाजत लेने की जरूरत नहीं रहती। गुंजल ने कहा कि नियमों के तहत क्रेशर को नाप लो, एक इंच भी अतिक्रमण हो तो सामने आ जाएगा, लेकिन यह सिर्फ विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए कार्रवाई करवाई गई। अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद आर पार की लड़ाई होगी। गुंजल ने एक बार फिर आईजी रवि दत्ता पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आईजी नियम कायदों को ताक पर रखकर एक तरफा कार्रवाई करने को आमादा है। बदले की नियत से अवैध कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया है। 17 तारीख को आईजी ने एक बैठक ली और बिंदु संख्या 2, जिसका हवाला नहीं है, लेटर मुझे मिला है व्यक्तिगत सोर्स से, अधिकृत रूप से नहीं, बावड़ी खेड़ा में एक क्रेशर संचालित है जो अवैध है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए और उस पर कलेक्टर की तरफ से 22 तारीख को 7 विभागों को संयुक्त जिम्मेदारी दी है, पुलिस, डीएफओ, यूआईटी, एसडीएम, पॉल्यूशन, परिवहन और माइनिंग। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिरला जी ने हार मान ली और पूरी सरकार ने सारे प्रशासन की पावर ऑफ अटॉर्नी शासन की आईजी कोटा को दे दी। ऐसा लगता है जैसे सारा प्रशासन पंगु हो गया, शासन और आईजी अब यहां सारी व्यवस्था का ठेकेदार बन गया और ठेकेदार बनकर कौन कौन भाजपा विरोधी है उन सबको कैसे शासन की ताकत के मुद्दे पर टारगेट किया जा सकता है, ये कार्यवाही उसका हिस्सा है। मैंने सब दस्तावेज आपको दिए हैं। राजाराम भील नाम के व्यक्ति की खातेदार की ये जमीन है। 9/7/2010 को एसडीएम लाड़पुरा ने एक्सक्लूसिवली क्रेशर के लिए इसका कन्वर्जन किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मेरी क्रेशर को आप नाप लीजिए। 4 तारीख के बाद किस फैक्ट्री में कितने 100 बीघा जंगलात है, काली सिंध डीबरी, पीतामपुरा आवा, पलायता और आसपास गड़ेपान, मोती कुआं में कितनी अवैध क्रेशर चल रही है। मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई, या तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, या आईजी की दादागिरी चलेगी। आर पार की लड़ाई 4 तारीख के बाद लड़ूंगा। या आईजी चाहता है
कैसे भी उत्पात हो मैं शांति से नाप ले। मेरी विनम्र प्रार्थना आप सब लोगों और है, एक इंच जमीन मेरी अवैध नहीं है। एक इंच जमीन, एक इंच जैसी जमीन मैंने खातेदार से खरीदी है उसी पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, पक्का रैंप वगैरह सारा सब कुछ। एक इंच आगे पीछे नहीं किया, जो कच्ची बाउंड्री थी खातेदार की उसी में उसी ने कन्वर्जन करा के मेरे नाम रजिस्ट्री कराई है। 4 तारीख के बाद प्रशासन को एक एक कार्यवाही पारदर्शिता से और लोगों के खिलाफ करनी पड़ेगी, इसके लिए मजबूर कर दूंगा। 4 जून को नतीजे आने के बाद हजारों की तादाद में समर्थकों के साथ वह आईजी कार्यालय का घेराव करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।